नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो श्रावस्ती में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सांसद आदर्श ग्राम का हाल बेहाल है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसी की तर्ज पर एक सांसद आदर्श ग्राम योजना का हाल उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा है। कुछ एक सांसदों को छोड़कर अधिकतर सांसदों का परफॉर्मेंस काफी खराब है। बात करें अगर श्रावस्ती की, तो सांसद ददन मिश्रा द्वारा गोद लिए गए ग्राम सभा में जब हमारी टीम जमीनी हकीकत जानने पहुंची, तो वहां की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। बजट तो लाखों करोड़ों का आता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वही हाल है जो जिले के अधिकांश गांव के हैं। पूरी रिपोर्ट देखने से पहले हम आपको यह बता दें कि क्या है सांसद आदर्श ग्राम योजना। दरअसल इस योजना के तहत सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को अपनी विकास निधि से एक एक ग्राम पंचायत का चयन करने के बाद उन्हें आदर्श बनाने का जिम्मा लेना होता है। चयनित पंचायत में वहां के लोगों या ग्राम सभा की मांग पर और उनकी सहमति से विकास योजनाएं शुरू की जाती है। वैसे इनमें सांसदों का कोई प्रत्यक्ष रोल तो नहीं है, पर सांसदों को आदर्श बनाने के लिए खुद के चयनित पंचायतों में विकास कार्य की निगरानी तो करनी पड़ती है, ताकि सांसद निधि का इस्तेमाल लोगों की जीवन शैली सुधारने में हो सके। दरअसल यह योजना सांसदों की विकास करने की क्षमता और दक्षता को परखने का पैमाना भी है। अब बात करते हैं लोकसभा श्रावस्ती सीट के बीजेपी सांसद ददन मिश्रा के आदर्श गांव जयचंदपुर कटघरा की, जहां हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से विकास पर बातचीत की, तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि सांसद के जरिए हमारा गांव गोद लिया गया था, लेकिन यहां पर 5 साल बीतने को हैं, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ग्राम सभा में पानी की टंकी बनवा दी गई, लेकिन समय से पानी नहीं मिलता, और तो और पानी की टंकी के ऑपरेटर मनमानी कर पैसा वसूलते हैं। जयचंदपुर कटघरा के ग्रामीणों का साफ तौर से कहना था कि बीजेपी की सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, विकास के नाम पर कोरे कागज की तरह जो साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने पिछले सरकार की तुलना करते हुए जमीन आसमान का फर्क बताया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम सभा में अभी तक सही रूप से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने ग्राम सभा में बने परिषदीय विद्यालय का हाल जाना, तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जयचंदपुर कटघरा परिषदीय विद्यालय में पहुंचे वहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। शौचालय की टूटी फूटी तस्वीरें अब टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो स्वच्छ भारत को पलीता लगाते हुए दिख रही है। विद्यालय के अध्यापिका ने बताया कि हम लोगों ने इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ना ही विद्यालय में बैठने के लिए बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था है, ना ही सही रूप से पढ़ाई करने की व्यवस्था। बरसात के मौसम में छतों से पानी टपकने लगता है, जिसके चलते बच्चों को पढ़ाने लिखाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे और टॉयलेट है, मतलब फैसिलिटीज अवेल करी गई थी, लेकिन वो चोरी और किसी और रीजन की वजह से गड़बड़ हो चुकी है। मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं, वर्किंग कंडीशन में एक टॉयलेट है, लेकिन एक टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट में जो टैंक होते हैं, तो फिर अब सर टॉयलेट में टैंक था, लेकिन अब वो उसका जो पाइप है वो टूट चुका है, नल है वो टूट चुके हैं, आरओ लगा था वो चोरी हो चुका है। ये वो प्रूफ है, यहाँ जब लीकेज होता होगा तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? वही है, बोरी लगाते हैं, कभी बाल्टी रखते हैं, कभी बच्चों को साइड में करते हैं, कभी हम साइड में हो जाते हैं। कभी आपने आला अधिकारियों से शिकायत की? नहीं बोला है, इस लीकेज के लिए तो नहीं, मैंने टॉयलेट के लिए बहुत बार बोला है। अपने सीनियर हेड से बोल रही हूँ मैं 3 साल से, और जो भी मेरे आते हैं APRC हैं या NPRC हैं या SDI सर जितने भी रहे हैं, उनसे मैंने बोला है। कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे टंकी केवल ये बनी हुई है, और ये पाइप जो डलवाए हैं ये पूरे गांव में रोड खराब करके बहा दिए हैं। पानी भी नहीं आ रहा है, और ये सड़कों पे नहीं आ रहा है। इसमें नालियों का नाली बनवाए थे, एक बार बनवाए थे, देखे ही नहीं है, नाली हमेशा फुल रहती है। अब हमारे यहाँ पानी का निकास नहीं है, पहली बात बरखा में, और दूसरी बात जो काम के लिए कहा गया था कि ये करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इस गांव में सांसद जो काम पहले हम लोगों का होता भी था, वो भी नहीं हो रहा है। जैसे अब कहीं भी जाते हैं तो ये होता है कि सांसद तुम्हारा गांव, तो सांसद गोद है, तो अब आप जो है
उसमें हम लोगों का पहले जैसा काम भी नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें कमी क्या है? और आखिर में जैसे कहने का मतलब है, ये नाली है, ये देख लीजिए नाली आपके मौके पे है जो कुछ है भी, तो अभी ये ऐसे गांव का है जो कुछ है वैसे।